राम मंदिर मामले में आज 15वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही, जहां आज राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने अपनी दलीलें रखी। आज भी कोर्ट में बाबर और औरंगजेब का जिक्र हुआ, जिसके बहाने समिति के वकील ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करने के लिए बड़ा दांव खेला है। राम मंदिर मामले में सुनवाई के दौरान बीते दो दिनों से बाबर का जिक्र बार बार किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि बाबर का इस स्थल से कोई लेना देना नहीं था। इसे लेकर पहले तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा बार बार बाबर का जिक्र कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन दो दिन की लंबी चौड़ी बहस के बाद आज 15वें दिन जब पीएन मिश्रा ने अपनी दलील रखनी शुरू की तो मुस्लिम पक्ष हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पीएन मिश्रा ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि जब बाबर ने मस्जिद बनवाई ही नहीं तो मुस्लिम पक्षकार को इस जमीन पर कोई दावा करना ही नहीं चाहिए। 5 सदस्यीय बेंच के सामने पीएन मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये साबित नहीं हो पाया है कि उस जमीन पर मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक जज ने लिखा था कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि ढांचे का निर्माण बाबर ने कराया था, जबकि दूसरे जज ने कहा था कि इसे औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार साबित नहीं कर पाए कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। पीएन मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सबूत बनाते हुए कहा कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो मुस्लिम पक्षकार को विवादित जमीन पर कब्जा या हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। बाबर ने मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था और न ही वो विवादित जमीन का मालिक था। जब वो जमीन का मालिक ही नहीं था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का मामले में दावा ही नहीं बनता। अब राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की इस दलील पर मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।